श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति की शनिवार को ट्रेन में ही मौत हो गई। ट्रेन जब जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो शव को ट्रेन से उतारा गया। इसके बाद मृतक की पत्नी और बेटी की भी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई तो दोनों को तेज बुखार निकला, जिसके बाद शव को मेडिकल अस्पताल में और माँ और बेटी को विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया। मृतक उसकी पत्नी और बेटी का कोविड परीक्षण कराया गया है। चूंकि ट्रेन में शव था इस लिहाज से ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 या 6 पर ही रोकना चाहिए था, लेकिन रेलवे अफसरों की मनमानी शनिवार को एक बार फिर उजागर हुई। उन्होंने ट्रेन को सीधे प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर ही रोक दिया, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी का अमला वहां पहुंचा और स्वास्थ्य विभाग के अमले समेत जीआरपी ने पीपीई किट पहनी थी, जिसके बाद शव को काफी मशक्कत के बाद ट्रेन से उतारा जा सका। इसके बाद शव को स्ट्रेचर पर रखकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर लाया गया। रमेशन एक बांद्रा से वाराणसी जाने वाली ट्रेन में गुलाम अहमद सिद्दीकी उम्र 55 वर्ष के, ये अपनी परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। ये रहने वाले इलाहाबाद के हैं। इटारसी के करीब इनकी अचानक मृत्यु हो गई है। अभी उनकी डेड बॉडी को हमने पूरी तैयारी के साथ यहाँ उतारा है, क्योंकि उनका जो मृत्यु का कारण था वो अज्ञात था, और ऐसे समय में कोरोना के संक्रमण के कारण पूरी सावधानीपूर्वक उनकी डेड बॉडी को उतार के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा जा रहा है और वहाँ उनका कोरोना का सैंपल भी लिया जाएगा। साथ कोई परिजन भी है? इनकी पत्नी भी है और उनके दो भतीजे भी हैं साथ में, जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे।